अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अलीजा इज सिटिंग, अलीजा बैठी हुई है। शी इज राइटिंग, वो लिख रही है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते थे, अलीजा इज सिटिंग, अलीजा इज राइटिंग। लेकिन जब हमने दूसरे सेंटेंस यूज़ किया तो उसमें हमने अलीजा का नेम नहीं लिया बल्कि उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ किया, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे अलीजा की ही बात हो रही है। जैसे कि हम लोग उर्दू में बोलते हैं, अलीजा बैठी हुई है, वो लिख रही है। उम्मीद है आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब कुछ प्रोनाउन सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोनाउन आते हैं वो आता है आई और वी। आई हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए और वी इस्तेमाल करते हैं हम के लिए। ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आते हैं वो हैं सेकंड पर्सन, जो कि है यू। ये तुम या आप सब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप और प्लूरल के लिए भी। इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आते हैं वो हैं ही, शी, इट, दे। ही, शी और इट इस्तेमाल होता है वो के लिए, जिसमें ही हम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी लड़की के लिए, और हम लोग इट किसी बेजान चीज़, किसी जानवर या फिर किसी बेबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं और दे हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, जिसका मतलब है वो सब। आइए अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैव अ शाय कैट, इट हाइड्स अंडर द टेबल। यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ वो हुआ इट। अस्मा एंड सारा लाइक्स टू शॉप, दे वेंट टू मार्केट। अस्मा और सारा की जगह पे जो हमने प्रोनाउन यूज़ करा वो यूज़ करा दे। इसी तरह से आप भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। नीचे दिए गए प्रोनाउंस का यूज़ करें और आप अपने सेंटेंसेस बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से आपका प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।